आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेल स्लीव का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो उसके लिए हमने तीन कपड़े लिए हैं, एक में जिसमें हमारा हाथ निकलेगा और दो कपड़े हमने ये लिए हैं जिसमें हमारी डबल लेयर बेल स्लीव रहेगी और उसमें भी हम डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हाथ की कटिंग हमें किस हिसाब से करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हमने इस तरीके से लिया है और इसकी लंबाई हमने ली है 12 इंची। तो जिसमें हमारा हाफ इंच ऊपर मार्जिन दब जाएगी, हाफ इंच नीचे मार्जिन दब जाएगी, तो 11 इंची हमारा ये रेडी होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर के स्लीव की लंबाई कटिंग करते हैं। तो 3 इंची हम यहाँ पर स्लीव को डाउन देंगे और जितना आपका आर्म होल है उस हिसाब से यहाँ पर आप मार्क लगा दें और यहाँ पर गोलाई दे दें। अब हम आपको बताते हैं बेल स्लीव में आप कोहनी का नाप जरूर लें, कोहनी यानी कि इस जगह का नाप आप जरूर लें और इससे थोड़ा सा लूज लेकर नाप ही लें। तो हमने नाप लिया है 10 इंची, तो 10 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, 5 इंची, 5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम सीधा करेंगे, साइड में हम 1.5 इंची की मार्जिन देंगे। अब हम हाफ इंची सामने की तरफ कपड़ा निकाल देंगे। ये हमारे ऊपर की कटिंग हो गई है, अब हम नीचे की कटिंग करेंगे। तो नीचे के बेल की कटिंग करने के लिए हमने दो कपड़े लिए हैं। हम पहले कपड़े का साइज आपको बताते हैं। तो इसकी लंबाई हमने ली है 16.5 इंची और इसकी चौड़ाई भी हमने ली है 16.5 इंची। तो ये 16.5 इंची का हमने कपड़ा लिया है और एक ठो कपड़ा हमने छोटा लिया है जिसमें हम छोटी बेल बनाएंगे। तो इसकी लंबाई हमने ली है, हम अच्छी तरीके से आपको दिखाते हैं, इसकी लंबाई हमने ली है 12 इंची और इधर से भी हमने ली है 12 इंची। तो पहले हम ऊपर की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसे आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम बताते हैं, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में आप इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा, तो यहाँ पर हमारी डबल फोल्डेड आ जा रही है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मिडिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसका मिडिल करना है और यहाँ पर इस मिडिल करने के बाद में 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे। इधर भी 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इधर भी हम 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इसकी जो लंबाई भी देंगे हम 2.25 इंची। अब इसे हम गोलाई में इस तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे गोलाई में मिलाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हमें किस तरीके से करनी है, तो देखिए दोस्तों, ऊपर का जो हमारा स्लीव जो हमने काटी है, तो पहले हम इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी सिलाई दे दी है। अब हम इसे पलटेंगे। अब हम इसे इस तरीके से हमने इसे पलट लिया है, फिर हम इसे इस तरीके से एक बार और पलटेंगे और यहाँ पर इसे बैठाएंगे। यहाँ पर बैठाने के बाद में हम इस यहाँ पर मार्क देंगे, एक सीधा सा मार्क लगाना है। अब हम इसे गोलाई में मिलाएंगे, तो यहाँ से हम इसकी गोलाई बनाएंगे। ये सीधा सा हमने मार्क दे दिया है, फिर हम यहाँ पर इसकी गोलाई में से मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो जाएगी। हम आपको दिखाते हैं, इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से हमें छोटी बेल का भी कटिंग करनी है। तो ये हमारा कपड़ा आ गया है, तो इसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे और यहाँ पर हम इसे बैठाएंगे। तो ये हमारी बड़ी बेल है, इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर जितनी हमने इसकी कटिंग की है उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये नीचे की जो बेल हमारी है, तो इसमें भी हमें यहाँ का मिडिल लेना है इस तरीके से। और ऊपर में हमने इसकी चौड़ाई दी है, देखिए दोस्तों, ऊपर की जो हमारी बड़ी बेल की जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंची। तो यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई देंगे 3 इंची, तो 1.5 इंची हम यहाँ मार्क लगाएंगे और 1.5 इंची हम यहाँ मार्क लगाएंगे और इसकी जो लंबाई देंगे वो देंगे 2 इंची। अब इसे भी हम गोलाई में मिलाएंगे, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो यह होगी हमारी छोटी बेल और यह होगी हमारी बड़ी बेल, इसे हमने इस तरीके से जोड़ना है। तो अब हम इसे किस तरीके से जोड़ेंगे आप समझ लें। पहले हम यहाँ पर इसकी
पहले हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हल्का सा 2 पॉइंट का कपड़ा लेना है और उसके बाद में हम एक कच्ची सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हम कच्ची सिलाई पूरी बेल में देंगे। तो पूरी बेल में हमें देनी है कच्ची सिलाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए हम सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने बेल ले ली है। अब हम इसमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हल्का सा हमें 2 पॉइंट का इसे फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। तो चलिए देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी गुलाई है। तो यहाँ पर पहले हल्के हल्के आप कट दे दें ताकि आपको गुलाई मोड़ने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। हल्के हल्के दे ताकि आपके अंदर में ही रहे कट। तो इस तरीके से आप इसे फोल्ड करें। तो यहाँ पर लाकर आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर दें। तो यहाँ पर भी गुलाई है, तो यहाँ भी छोटे छोटे कट दे देंगे। जहाँ जहाँ हमारी गुलाई है वहाँ कट देकर हम इसे फोल्ड करेंगे। इसे क्या होता है कि फोल्ड हमारा अच्छी तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई कर ली है। अब हम इसे एक फोल्ड और करेंगे। तो ये भी हमें 1 पॉइंट का ही फोल्ड रखना है। जितना बारीक सा फोल्ड कर सके उतना ही अच्छा लगता है। जितना बारीक फोल्ड करेंगे दोस्तों उतना ही ये खूबसूरती से फोल्ड होगा। और आपको फोल्ड करने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अगर आपको ये फोल्ड करने में किसी तरीके की दिक्कत होती है तो आप इसमें पीको भी कर सकते हैं। तो पीको करने से भी ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले की भी सिलाई कर ली है। अब हमें इसे किस तरीके से बैठाना है आप समझ लें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। इसे हम इस हिसाब से फोल्ड करेंगे। इस हिसाब से हम इसे गुलाई में देना है। तो यहाँ पर हमारी ये नुकीला हिस्सा आना चाहिए, ये गुलाई के पास में ये नुकीला हिस्सा आना चाहिए। तो इधर भी हमने नुकीला हिस्सा गुलाई के पास में दिया है, इधर भी दिया है और इधर भी दिया है। अब हम इसमें एक सिलाई देंगे। इस तरीके से हमने दोनों भाग को मिलाकर इसमें सिलाई दे दी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि एक नॉक को आपको पकड़ कर चलना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सेंटर में एक मार्क लगाएंगे और इसी के सेंटर में आप दूसरा एक मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जोड़ रहेगा वो यहाँ पर मिलेगा हाथ का, और ये वाला भाग जो रहेगा यहाँ पर मिलेगा। अब हम हाथ को लेंगे और यहाँ पर हम कट देंगे। तो यहाँ पर हमने कट दे दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा जोड़ है इसे हम इस मार्क के पास में रखेंगे, और ये जो हमारा कट जो हमने दिया है, हम मार्क से आपको दिखाते हैं, ये कट जो दिया है इस कट को हम इस मार्क के पास में मिलाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पकड़ेंगे, ये जो जोड़ हमारा है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरीके से पलट देंगे। अब ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो मार्क को आपको ध्यान में रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ मार्क लिया है और यहाँ हमारा हाथ का जोड़ है, तो यहीं पर हम इसे मिलाएंगे।
तो यहाँ पर हमारा हाथ का कट है, तो इसे भी हम इस मार्क के पास में मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क दिया है, तो मार्क के पास में आपको मिलाते जाना है, जिससे आपको गुलाई मिलाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने हाथ की गुलाई में सिलाई दे दी है और ये हमारा हाथ तैयार हो गया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ पर मोती लगाएंगे, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी।